ये है 2022 की न्यू लॉन्च्ड हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक। इसकी कलर की बात करें तो ये डार्क एडिशन में है। ये टोटल 4 कलर ऑप्शन के साथ आती है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 87,510 रुपया है मुजफ्फरपुर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे इस बाइक के सारे फीचर्स के बारे में। गाइस अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं और आप हीरो की किसी भी बाइक या स्कूटी का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं नॉर्थ बिहार एग्रो एजेंसी कलमबाग रोड छाता चौक मुजफ्फरपुर स्थित शोरूम में। इस शोरूम की सारी डिटेल्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट लुक की। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरह का दिखता है। इसके वाइजर पे हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर वर्क मिल जाता है। इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कंपनी ने DRL प्रोवाइड किया है। इसकी टर्न इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बल्ब में दिया गया है। फ्रंट हेडलैम्प सेटअप की बात की जाए तो रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प सेटअप के साथ ये बाइक आती है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह दिया गया है। इसका मडगार्ड ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया है। इसके मडगार्ड के दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। इसके फ्रंट और रेयर दोनों में 80/18 का ट्यूबलेस टायर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। इसके फ्रंट और रेयर दोनों में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक की। तो आप देख सकते हैं इसका फ्यूल टैंक कुछ इस तरह का मिल जाता है। यहाँ पे हीरो की स्टिकर वर्क मिल जाती है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 9.6 लीटर कैपेसिटी के साथ इसकी फ्यूल टैंक आती है। दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके मीटर कंसोल की। तो आप देख सकते हैं इसका फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे ऑन करते ही हेलो माई हीरो लिखा शो हो जाता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर प्रोवाइड की गई है। कॉल SMS अलर्ट मिल जाता है। इसके मीटर कंसोल में स्पीडोमीटर ओडोमीटर टेकोमीटर ट्रिप मीटर फ्यूल गेज एवरेज ये सब डिजिटली शो हो जाते हैं। और साइड में कुछ लाइट्स दिए गए हैं जिसमें FI लाइट टर्न इंडिकेटर लो फ्यूल वार्निंग साइड स्टैंड सेंसर लाइट न्यूट्रल हाई बीम इंजन मेल फंक्शन लाइट ये सब शो हो जाते हैं। इसके वाइजर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने USB चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया है। दोस्तों आप किसी भी सिटी से हो और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं इसकी ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। गाइस आते हैं इसके राइट हैंडल बार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो i3S और सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंडल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाती है। तो चलिए गाइस अब आते हैं इसके राइट साइड की ओर और देखते हैं इसके राइट साइड का लुक। तो आप देख सकते हैं ये बाइक राइट साइड से कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके सीट पे कुछ थ्रेड वर्क दिया गया है। साइड पैनल की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस 3D में लिखा मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे एक्सटेक की स्टिकर वर्क मिल जाती है। यहाँ पे पावर स्टार्ट और FI की स्टिकर वर्क मिल जाती है। इसके इंजन पे आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें 97.2 cc एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन मिल जाता है। मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 8 PS का जनरेट करता है 8000 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पे। ये बाइक FI टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है। इसकी रियर टायर साइज की बात करें तो 80/18 का टायर साइज मिल जाता है। इसके रियर में ड्रम ब्रेक 130 mm का मिल जाता है। दोस्तों आप इसका बैक पैनल देख सकते हैं, बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक का मिल जाता है। इस पर किसी भी तरह का स्टिकर वर्क नहीं दिया गया है। इसके रियर लुक की बात करें तो कुछ इस तरह का इसका रियर लुक है। टेल लाइट की बात की जाए तो बल्ब में कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर वो भी बल्ब में दिया गया। उसके जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन प्लेट का जगह मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे सारी गार्ड मिल जाता है। इसकी चैन सेट की बात की जाए तो वो कंपनी ने लोहा का प्रोवाइड किया है। इस बाइक में 4-स्पीड गियर बॉक्स और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग दी गई है इसके इंजन पे। इसके लेफ्ट साइड की पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस 3D में लिखा मिल जाता है और एक्सटेक की स्टिकर वर्क मिल जाती है।
दोस्तों अब बात करेंगे इस बाइक के डाइमेंशंस के बारे में। 720 mm लेंथ, 1965 mm हाइट, 1045 mm सैडल हाइट की बात की जाए तो 799 mm ग्राउंड क्लियरेंस की इसकी बात की जाए तो 165 mm की मिल जाती है। व्हील बेस 1235 mm, कर्व वेट की बात की जाए तो 112 kg मिल जाती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।